नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और इन वीडियोस के माध्यम से हम आईवीएफ की प्रक्रिया के बारे में जानते आए हैं। एक जिज्ञासा बहुत से दर्शकों ने लिख भेजी है और वो ये है कि आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान क्या हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तीसरे दिन कराना चाहिए या फिर पाँचवें दिन यानी कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराना चाहिए। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या डिफरेंस है डे 3 और डे 5 के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में, और जब दंपत्ति को डॉक्टर बताते हैं कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है तो उन्हें क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए अपना निर्णय लेते समय। तो किस दिन पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भ्रूण का विकास है वो शरीर के बाहर लैब में किस तरह से होता है। जिस दिन आपका एग निकालने का प्रोसेस होता है यानी एग पिकअप होता है, उस दिन को डे 0 माना जाता है। एग पिकअप के बाद ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की प्रक्रिया की जाती है इन एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए। ICSI प्रक्रिया के लगभग 16 से 18 घंटे बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि जितने एग्स हमने ICSI किए थे उसमें से एक्चुअली कितने फर्टिलाइज हुए हैं और कितने भ्रूण हमारे पास बने हैं। आमतौर पर जो फर्टिलाइजेशन रेट होता है वो 70-100% होता है, यानी कि यदि हमें 10 एग्स मिले हैं तो उसमें से 7-10 एम्ब्रियोज जो है वो आम तौर पे मिलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन रेट कम हो सकता है यदि सीवियर मेल फैक्टर है या फिर एग्स की गुणवत्ता में कमी है तो। यानी डे 1 पर जो फर्टिलाइजेशन चेक होता है, इसके बाद जब हम डे 2 पर चेक करते हैं तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये क्लीव होने लगता है, यानी ये डिवाइड होने लग जाता है। डे 2 पर इसमें कम से कम 2 या 4 सेल्स हमें दिखने चाहिए। इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है और ब्लास्टोमियर्स की संख्या, उनकी साइज़, शेप और उनके अंदर न्यूक्लिएशन यानी कितने न्यूक्लियस उनके अंदर हैं, इसके आधार पर एम्ब्रियो की ग्रेडिंग की जाती है। डे 3 यानी कि एग पिकअप के 4th दिन हम एम्ब्रियो को आमतौर पर असेस करते हैं और इस दिन अधिकतर केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। डे 3 पर 8-10 सेल्स होने चाहिए एम्ब्रियो में और इनकी जो साइज़ और शेप है और इनकी जो फ्रेगमेंटेशन है, इसके आधार पे इन्हें क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 यानी टॉप क्वालिटी एम्ब्रियोज, एवरेज एम्ब्रियो और पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो इसमें डिवाइड किया जाता है। अब यदि किसी दंपत्ति के 3 से ज़्यादा टॉप क्वालिटी एम्ब्रियोज हैं, ऐसे केसेस में उन्हें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र और कुछ नहीं है, डे 3 पर ट्रांसफ़र ना करके हम इन एम्ब्रियोज को लैब में और कल्चर करते हैं डे 5 तक, यानी 2 दिन और हम इनको ग्रो करते हैं। डे 5 पर ये जो एम्ब्रियोज हैं इनके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है और इसका जो बाहर के सेल्स हैं उन्हें ट्रोफोएक्टोडर्म और अंदर के सेल्स को इनर सेल मास कहा जाता है। आमतौर पर यदि हमें डे 3 पर 10 एम्ब्रियोज मिलते हैं तो इसमें से लगभग 20-30% एम्ब्रियोज डे 4 पर अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ आगे नहीं होती है। यानी कि यदि हमारे पास डे 3 पर 10 एम्ब्रियोज हैं तो डे 5 पर आमतौर पर 4-6 एम्ब्रियोज हमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में मिलते हैं। जब हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो इसमें एक हमें अच्छा एम्ब्रियो सिलेक्शन मिल जाता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो डे 5 तक ग्रो किया है यानी कि उसके अंदर एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेट हो गया है और वो कल्चर कंडीशंस में भी डे 5 तक सर्वाइव हुआ है, तो डेफिनेटली उसका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल जो है वो एक डे 3 एम्ब्रियो की अपेक्षा 6-7% ज़्यादा है। परंतु ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र का एक नुकसान ये भी है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एक भी एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन पाता, और ऐसे केस में यदि हम डे 3 पर ट्रांसफ़र नहीं करते, डे 5 का इंतज़ार करते हैं, तो रेयरली ऐसी स्थिति बन सकती है कि एक भी अच्छा ब्लास्टोसिस्ट नहीं मिले और हम ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएँ। ऐसे पेशेंट्स में यदि हमने डे 3 पर ट्रांसफ़र किया होता तो शायद हमें कुछ चांस मिल पाता प्रेगनेंसी का। तो जब भी आपको ये ऑप्शन दिया जाए डे 3 या डे 5 के बीच में तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। पहली बात, यदि आपके पास 3 या 3 से अधिक टॉप क्वालिटी एम्ब्रियोज हैं तो डेफिनेटली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र तक यानी ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का आप रिस्क ले सकते हैं। यदि महिला के एग्स 15 से ज़्यादा बने थे और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की संभावना बन रही है, उस केस में भी आपको डे 3 पर ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहिए, डे 5 तक रुकना चाहिए। OHSS के कोई भी लक्षण दिख रहे हों तो सारे एम्ब्रियोज डे 5 पे भी फ्रीज कर लेने चाहिए, ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहिए। यदि आपके पहले 1 या 2 IVF साइकिल्स फेल हो चुके हैं, उस केस में भी आपको ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के लिए जाना चाहिए। कुछ ऐसे पेशेंट्स जिसमें महिला की आयु
बहुत अधिक है, 37 ईयर्स से अधिक है। ऐसे केसेस में कई बार यदि हम ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो जो अच्छे दिखने वाले भ्रूण हैं वो कई बार अरेस्ट हो जाते हैं और ट्रांसफ़र कैंसिल करना पड़ता है। तो यानी कि डे 3 या डे 5 इसके बीच का जो डिसीजन है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि डे 3 अच्छा नहीं है, डे 5 अच्छा है या फिर वाइस वर्सा। ये डिसीजन आप डॉक्टर से डिस्कस करके, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, आपके एम्ब्रियोज की क्वालिटी, आपके जो IVF लैब है उनका ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र के साथ का अनुभव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही लैब्स की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का कल्चर हो सके। ये सारे बातों को मद्देनज़र रखकर तब आप डिसीजन लीजिए कि हमें डे 3 या डे 5 ट्रांसफ़र कराना है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स का प्रेगनेंसी रेट बहुत अच्छा है तो कई बार हम डे 5 ना ले जाके हम डे 3 पे सारे एम्ब्रियोज फ्रीज करते हैं और अगले महीने में जब सारे हार्मोनल वैल्यूज़ नॉर्मल हैं, शरीर अपनी नॉर्मल स्थिति पर है, तब हम इन एम्ब्रियोज को थॉ करके और फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो यानी कि हमारा डे 3 पर ट्रांसफ़र हो या डे 5 पर ट्रांसफ़र हो या फिर हम ट्रांसफ़र ना करा के सारे एम्ब्रियोज फ्रीज़ कर लें, अगले महीने ट्रांसफ़र करें, ये डिसीजन लेते समय आप इन सारे फैक्टर्स को ज़रूर ध्यान में रखें और आपके डॉक्टर का ओपिनियन, वो क्या समझते हैं आपके केस में सबसे अच्छा क्या रहेगा, इसको भी ध्यान में रखें और फिर ये डिसीजन लें। ऑल द बेस्ट।